अगर आप लोग भी पके केले से इतना इंटरेस्टिंग एंड टेस्टी नाश्ता बनाना चाहते हैं तो देर किस बात की, फटाफट से बनाइए ये नाश्ता और इंजॉय कीजिए। जो लोग केला खाना पसंद नहीं करते हैं वो लोग भी इस नाश्ते को मांग मांग कर खाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है कांति जी जी किचन में। आज मैं ऐसा नाश्ता बनाने जा रही हूँ जो बनने में सिर्फ 5 मिनट लगना है, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। उसके लिए मैंने ये दो पके हुए केले लिए हैं, जो केला रखे रखे बहुत ज़्यादा पक जाता है और कोई खाना नहीं चाहता है, तो इस केले को फेंके नहीं, इसका भी बहुत अच्छा नाश्ता बन जाएगा। तो आज मैं व्रत में खाने वाला नाश्ता बना रही हूँ, लेकिन मुझे व्रत में खाना है तो मैं कुट्टू के आटे में बना रही हूँ। तो इस केले को बोल में छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। अब इसमें से हम सिर्फ 2 या 3 पीस केले का निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए, और बाकी केलों को मिक्सी जार लेंगे, इसमें डाल करके ग्राइंड कर लेंगे, बॉल लेंगे, उसमें ग्राइंड किया हुआ केले को निकाल देंगे। केले हमने ऐसे ग्राइंड किए हैं कि जिसमें थोड़ा थोड़ा चम्प्स भी हैं केले की, बहुत बारीक नहीं ग्राइंड किए हैं। अगर ग्राइंड नहीं करना चाहते हैं तो आप फोर्क या चम्मच की सहायता से केलों को मैश भी कर सकते हैं। इस तरह उबर पके हुए केलों से हम कई तरह के नाश्ता बना सकते हैं। पके हुए केलों का गुलगुला बना सकते हैं, बनाना शेक बना सकते हैं और पैनकेक बना सकते हैं। तो चलिए आज हम पैनकेक बना रहे हैं, और ये भी बस 5 मिनट लगेगा इस नाश्ते को बनाने। आप नॉर्मल आटा या मैदा ले सकते हैं, मुझे व्रत में खाना है तो मैं कुट्टू का आटा ले रही हूँ। अब इसमें चीनी डालेंगे, चीनी आप अपने हिसाब से लें, मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लें, क्योंकि केला भी मीठा होता है। तो मैं 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैं डालूँगी दालचीनी का पाउडर फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मुझे दालचीनी का पाउडर पसंद है तो मैं दालचीनी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं दूध डाल करके इसका बैटर तैयार करूँगी। तो पहले मिक्स कर लेंगे जिससे कि केला और आटा एक साथ मिक्स हो जाए, फिर ज़रूरत के अनुसार और थोड़ा सा दूध डालेंगे। बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा और दूध डालेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। आटे केले का बैटर बहुत अच्छा से मिक्स हो चुका है, हमें ऐसे रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। बैटर तो तैयार है, अब इसमें एक इंग्रेडिएंट और मिक्स करेंगे। 1/4 चम्मच मैं बेकिंग सोडा इसमें मिक्स करूंगी, इससे बहुत अच्छा पैनकेक, जालीदार पैनकेक बनता है। बेकिंग सोडा भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, बैटर तैयार है, तो बैटर को हम साइड में रख देंगे और चलते हैं पैनकेक बनाने। गैस ऑन करके छोटा सा पैन रखें, भी पैन ले सकते हैं, हमारे पास ये छोटा पैन है तो मैंने छोटा रखी है। अगर आपके पास छोटा नहीं है तो आप कोई भी पैन रखें, उसको गर्म कर लें, और इसमें हम थोड़ा देसी घी डालेंगे, क्योंकि तो मुझे व्रत में खाना है तो मैं देसी घी में बना रही हूँ। आप चाहें कोई भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब उसमें जो मैंने 4 टुकड़े केले का बचा के रखा था तो फ्राई करूँगी। जैसे ही एक साइड केले हल्के से फ्राई हो जाए वैसे ही मुझे पलट देना है, गैस बंद कर देंगे। केले फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इनमें से घी कम कर लेंगे, इसको फिर से पैन रखेंगे, गैस ऑन कर लेंगे, टिश्यू पेपर से पैन को पोंछ देंगे, गैस धीमा रखेंगे, गरम पैन में बैटर डालेंगे। छोटा सा पैन होने के वजह से इसमें पूरा एक बराबर बराबर एक साइज का पैनकेक बनेगा। अगर आपके पास छोटा पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बड़े पैन या कोई भी तावे पे इस पैनकेक को बना सकते हैं। एक छोटा प्लेट लेंगे और इसको कवर कर लेंगे, कवर करके बस दो मिनट इसको पकाएंगे। कवर हटा करके चेक कर लेंगे, बहुत बढ़िया पैनकेक एक साइड पक चुका है, ये देखिए कितना अच्छा पैनकेक जालीदार बना हुआ है। अब इसको पलट लेंगे, फ्लफी भी है एकदम सॉफ्ट। इस पलटने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा और हम ऊपर से घी डालेंगे किनारों पे, जिससे कि उस साइड भी अच्छे से सिक जाए, और फिर से कवर करके 1 मिनट ढककर पका लेंगे।
एक मिनट हो चुका है, अब हम हटा करके चेक कर लेंगे। इधर के साइड भी कितना सुंदर कलर आया है, एकदम ब्राउन कलर। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसी तरह सारे पैनकेक बना लेंगे। ठीक, कितना जालीदार और बढ़िया पैनकेक बना है। तो आप भी अगर ऐसे ही पके केले से नाश्ता बनाना चाहते हैं, क्विक रेसिपी जो जल्दी बने और कम घी तेल में बने, तो ये पैनकेक आप लोग बना सकते हैं। एकदम जालीदार सॉफ्ट पैनकेक बनके तैयार है। इसको मैं तोड़कर दिखाती हूँ, अभी बहुत गर्म है ये देखिए। तो अगर ऐसे ही आप लोग भी कुछ पके केले से नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट ये नाश्ता बनके तैयार होगा। तो चलिए, अब बारी है इसको डेकोरेट करने की। डेकोरेट करने के लिए 20 से 25 मैंने अंगूर लिए हैं और इसको बीच से ऐसे तिरछे में मैं सारे अंगूर को कट कर लूँगी। अंगूर कट चुके हैं, अब सारे अंगूर को हमें लगाने हैं। तो ऐसे हम कटे हुए अंगूर को मिलाएंगे और इस पे रखते जाएंगे। ऐसे ही सारे अंगूर को लगा लेने। सभी अंगूर को मैंने लगा लिया है, अब इस पे मैं ये जो बनाना हमने फ्राई किया था उसे भी मैं लगा लूँगी। अब बारी है एक और इंग्रेडिएंट की जो ये पैनकेक को और ख़ास बनाएगा, वो है शहद। ऊपर से हमने शहद डालने हैं। अब ये बनाना पैनकेक कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।